अंधेरी रात थी। पहाड़ियों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और आगरा का किला दुर्ग की परछाई में एक बड़ा भयावह कर्तव्य सामने था। शिवाजी महाराज ने कसम खाई थी कि कोंढाणा का किला दुश्मन के कब्जे से आजाद कराएंगे, लेकिन इस कठिन मिशन के लिए उन्हें एक ऐसे योद्धा की जरूरत थी जो शेर की तरह निडर और बाज की तरह चालाक हो। तभी एक नाम उनके दिलो दिमाग में गूंज उठा, तनाजी मालुसरे। तनाजी शिवाजी महाराज के सबसे वफादार और निडर सरदारों में से एक थे। जब शिवाजी ने उन्हें कोंढाणा को फिर से जीतने का आदेश दिया, तब तनाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी में व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही उन्हें शिवाजी महाराज की इच्छा का पता चला, उन्होंने एक ही बात कही, पहले किला फिर कोंढाणा। काजी ने अपने बेटे की शादी छोड़ दी और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कोंढाणा का किला मजबूत था, वहां उदय भान सिंह जैसे शक्तिशाली सेनापति की सेना तैनात। तनाजी ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ रात के अंधेरे में दुर्ग की ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़ाई शुरू की। उनके साथियों के कदम भी उनके साथ बढ़ते रहे। दुर्ग की दीवारें और दुश्मन की विशाल सेना भी उनके हौसले को डिगा नहीं सकी। तनाजी ने अपनी नंगी तलवार उठाई और गरजते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। युद्ध के मैदान में तनाजी की वीरता देखते ही तलवारों की टकराहट, घोड़ों की हुंकार और मराठा योद्धाओं की ललकार के बीच तनाजी और उदय भान सिंह का आमना सामना हुआ। भीषण द्वंद्व चला। तनाजी ने अपने साहस और पराक्रम का ऐसा परिचय दिया कि दुश्मन भी हिल गए। लेकिन तनाजी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर उन्होंने मरते मरते कोंढाणा की धरती पर मराठा ध्वज फहरा दिया। उनकी वीरता और बलिदान को शिवाजी महाराज ने कभी नहीं। शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। तनाजी की यह कहानी आज भी साहस, बलिदान और मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम की मिसाल है। ऐसा योद्धा जो अपने देश के लिए जान देने से भी पीछे नहीं हटा।